नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 8 अक्टूबर तक की होगी। ये रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है तो हर बार हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आप लव रिलेशन या फिर शादी के रिलेशन कुछ भी, अगर आप प्यार में हो, प्यार करते हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अभी ये अपने अंदाज में है, अपने सेल्फ लव के मूड में है। सजना सवारना, खुद को तैयार रखना, प्रेजेंटेबल रखना, अपने बारे में सोचना, अच्छे से तैयार रहना, हर तरह की स्टेबिलिटी के बारे में ये सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। करंटली खुद को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने के बारे में सोच रहा है। हर तरीके की स्टेबिलिटी उनको चाहिए, एस ऑफ कप्स, क्योंकि हम देखो खुद एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनके साथ आप का दिल जुड़ा हुआ है, इनको ये लगता है ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, आपके लिए इनका प्यार उभर उभर के आ रहा है। लेकिन ये इनको भी पता है कि अगर रिश्ते में आना है, रिश्ते को चलाना है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, खुद की खुद में स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये जो अपने जो भी परेशानी है, जो भी बोझ इनके सर पे हैं, ये सारा चीज़ें ख़त्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। शादी जिनका नहीं हुआ है ये शादी के बारे में सोच रहा है। जो शादीशुदा पहले से ही है वो सारी परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। करंटली यही इनका एनर्जी है और आपके लिए इनका प्यार बहुत ज़्यादा करंटली बढ़ गया है, उछल उछल के आ रहा है। ये जैसे कि एक पल भी नहीं जी पाएंगे आपके लिए, ऐसा ये सोच रहा है। इसीलिए खुद को इतना काबिल, इतना स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है कि परेशानी ना हो बाद में रिश्ते में। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। देखो वर्गो की रीडिंग में वर्गो के कार्ड, आप खुद सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो। आप चीज़ों को बारीकी से सोचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है, आपको भी पता है कि आप दोनों ओल्ड सोल हो, ये कोई नया रिलेशन नहीं, मतलब इस जन्म का नहीं। आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है, इसीलिए आप जो जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहते हो। अभी आप कोई उछल कूद, कोई इमोशन दिखाना कुछ नहीं चाहते हो। देख लेते हैं हाउमेट को अगर हम क्लैरिफाई करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने एक पोजीशन चाहते हो। अभी आप भी दिमाग से सोचने लग गए हो। हो सकता है पहले आप दिल से सोचते थे और अभी आप अपने बारे में, अपने लिए कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। हो सकता है आप अपने अल्टीमेट जो गोल होते हैं, चाहे अपने लाइफ के लिए हो, चाहे अपने करियर के लिए हो, प्यार के लिए हो, जो भी आप करोगे आप एकदम शांत तरीके से करना चाहते हो। आप इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना, चुपचाप रहना, दिमाग से सोचना,
दिल को कंट्रोल करना चाहते हो आप, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। आप इस रिश्ते में इन एंड आउट तरीके से अभी के लिए रहना चाहते हो। आप अपने लिए भी कुछ नया सोच रहे हो। अपने स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में आप अभी पूरी तरह से इन्वॉल्व होके आप कुछ खोना नहीं चाहते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। आप अभी दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है। कब वक्त बदलेगा और कब वक्त उनका साथ दे देगा, ये आशावादी हैं। ये सोचते हैं आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा। पॉजिटिव थॉट्स रखने वालों में से हैं ये इंसान। तभी तो एम्प्रेस के कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये गिव अप करने वालों में से नहीं है। ये हमेशा नया कुछ सोचता रहता है या सोचती रहती है। ये इनको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, पोटेंशियलिटी है, फर्टिलिटी है। इनको पता है कि अगर इसमें मेहनत किया जाए तो एक ना एक दिन वक्त बदलने वाला है। इनको वक्त बदलने का इंतज़ार है। इनको लगता है अपनी मेहनत से ये वो सब कुछ पा लेंगे जो उनको चाहिए। ये अपना मेहनत जारी रखना चाहते हैं और ये इंसान फोकस्ड है अपनी गोल पर। इनको पता है इनको क्या चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी प्रति और खुद को भी उस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। और ये मेहनत छोड़ना नहीं चाहते। इनको पता है मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगा और किस्मत का पहिया जरूर घूमेगा उनके तरफ। जितना मेहनत वो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको मिलेगा। तो ये गिव अप नहीं करना चाहते, ना रिश्ते से, ना अपने लाइफ से, ना किसी भी परिस्थिति से। क्योंकि यहाँ अभी तक तो कोई कार्ड लड़ाई झगड़ा का नहीं आया है और ये आपको स्टॉक भी करता रहता है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। देख लेते आप क्या चाहते हो। स्ट्रेंथ, आप अपने अंदर हिम्मत रखना चाहते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लियो हो सकता है, वर्गो, टॉरस वर्गो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई भी राशि के वैसे हो सकते हैं। आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी चीज का इंतजार है। हो सकता है आप विदेश जाना चाहते हो। आप अपनी करियर के बारे में सोच रहे हो। द एम्परर का कार्ड, आप किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। जो डिसीजन हो सकता है अभी के लिए आपके लिए कठिन हो, लेकिन बाद में ये आपको फायदा देगा, ऐसा आपको पता है। इसीलिए जो भी ऑप्शन आपके पास है आप उसको इग्नोर करके जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो। चाहे आपका अपना करियर हो, चाहे आप बेटर और रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हो, ये किसी किसी के लिए। और आपको ये भी लग रहा है कि अगर आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो आपको इस रिश्ते से कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं रहेगा कि किसी से मुझे कुछ मिलना है। प्यार अलग बात है, लेकिन आप भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। हो सकता है आप कहीं बाहर जॉब करने जाने के बारे में सोच रहे हो। आपको इंतजार है कहीं से आपको कॉल आ जाए। तो फिलहाल आप अपने लाइफ को एक मौका देना चाहते हो कुछ कर गुजरने का, और उसके लिए आप हिम्मत जुटा रहे हो। और बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि अब तक कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया था, अभी एक आया है। किसी को अगर दुख हुआ था, परेशानी थी, किसी ने किसी को धोखा दिया, परेशान हैं, तो वो खुद को तैयार कर रहे हैं उठ के खड़ा होने के लिए कि जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे अपने लिए
जीना है, खड़ा होना है, लाइफ को मौका देना है। ये बहुत कम लोगों के लिए जिनके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा या फिर धोखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के रिश्ते में धोखे लड़ाई झगड़े की चांसेस अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो लोगों के हैं वो खुद को खड़ा करने के बारे में सोच रहा है कि हमें किसी की मोहताज ना होने पड़े, और जो लोग अच्छे रिश्ते में हैं वो भी एक दूसरे को अपना सपोर्ट मानते भी हैं, नहीं भी हैं, वो अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं रिश्ते में रहकर भी। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो भाई दिमाग से सोचने वाला है इंसान, आप दोनों ही दिमाग से सोच रहे हो, दोनों ही अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, दोनों को ही अपनी स्टेबिलिटी प्यारा है। टेम्परेंस, सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, द हायरोफेंट। अभी आप लोग दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं, गो विद द फ्लो होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो। अभी आप दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो और भगवान से प्रेयर कर रहे हो दिन रात कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। और जिन लोगों की, जैसा मैंने कहा कि लड़ाई झगड़ा परेशानी था, वो भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी भगवान से प्रेयर कर रहा है। और जिन्होंने जिनको धोखा दिया, इग्नोर किया, अगर वो आपके पास आ रहा है तो अभी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, करोगे इन दिनों, क्योंकि आप खुद को हील करने में बिजी हो और अपनी स्टेबिलिटी पर बिजी रहोगे और यूनिवर्स से भी यही कहोगे कि वो आपको हिम्मत दे और आप पेशेंस रखने की कोशिश करोगे। और जिनके रिश्ते सही हैं वो धीरे धीरे हर चीज़ को करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं और दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ाएंगे इन दिनों, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस, जिनको धोखा मिला है उनको जस्टिस मिलेगा, जो जैसा किया है उसका परिणाम उनको मिलेगा। जो रिश्ते में सही है, खुश है, उनका रिश्ता एक नए सर्कल पे जा रहा है। और जिनको जस्टिस की इंतज़ार है उनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने क्या सब कुछ सही किया है। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपके साथ सही होगा, अगर आपने खुद सब कुछ सही नहीं किया है तो आप जस्टिस की उम्मीद जो कर रहे हो उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको फिर आपको जस्टिस की इंतज़ार करनी पड़ेगी अगर आपने खुद सही नहीं किया है सब कुछ। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए जो आप मांग रहे हो क्या आप उसके हकदार हो, और आपका लाइफ एक नए सर्कल में जा रहा है। जो लोग अच्छे रिश्ते में हैं उनके भी, क्योंकि आप लोग फिनेंशियली स्टेबल होने जा रहे हो, होने की कोशिश तो कर रहे हो आप दोनों ही, और भगवान से भी प्रेयर कर रहे हो और पेशेंस भी रख रहे हो। और जिनके रिश्ते गड़बड़ हैं वो भी, उनका भी रिश्ता नए सर्कल में जा रहा है। अगर आप जस्टिस चाहते हो तो आपको जस्टिस मिल सकता है, अगर आपने सही किया है तो आपको जस्टिस का इंतज़ार करना सही है, अगर नहीं किया है तो आपको पता है क्या मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।